बीजेपी कार्यकर्ताओं के लोगों की मदद करने और सेवा कार्यों पर ये बुक आधारित है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि लॉकडाउन में सरकार के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस से जुड़े लोगों ने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सेवा ही संगठन है का सिद्धांत बीजेपी की नींव है और पार्टी संगठन ने हरियाणा में अब तक 20 लाख से ज्यादा सैनिटाइजर लोगों को बांटे हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के दिन रात एक करके उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की गई। 2013 सारे देश भर में घूमे, ऐसे ऐसे इलाकों में जहां उनके परिवार की ठीक प्रकार की जो संचालन भी नहीं होती थी, अभावग्रस्त होते थे, उनकी योजना कैसे बनाई जाए। इसमें सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं, संगठन अपने तरीके से काम करते हैं और उसी के अनुभव के आधार के ऊपर आज हम देखते हैं शासन में आने के बाद किस पीड़ित व्यक्ति को क्या आखिर जरूरत है, उसकी पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, ये सरकार की योजनाओं से भी करनी पड़ती है। और संगठन के नाते तो हमारा ये मूल मंत्र होता ही है, हमारा संगठन का हर कार्यकर्ता उसकी एक संवेदना होती है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा कैसे हरा जाए। ये संवेदनशील कार्यकर्ता की संवेदनशील यानी संगठन की संवेदनशीलता ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम खास करके अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मूल भावना है उससे जुड़े हुए लोग हैं और आज संघ के भी यानी लाखों ऐसे प्रकल्प हैं जो सेवा के चलते रहते हैं। जो सेवा वास्तव में हमारा मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के नाते से हम काम करते हैं। कभी कभी सहज तरीके से जो काम मिल जाए वो करते हैं और कभी कभी कोई आपदा आ जाती है, उस आपदा के समय सेवा का बहुत महत्व होता है। ये जज्बा था प्रवासी लोगों के लिए भोजन, अनेक लोग आकर खुद कि हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं, हम इसमें जुटना चाहते हैं, आपके सहयोगी बनना चाहते हैं, अपने आप लोग समाज के आकर कि हम इस प्रकार से सैनिटाइजर मास्क के इस काम में सहयोग करना चाहते हैं। ये इतना बड़ा सेवा का जो अभियान चला कि 1,40,00,000 भोजन के पैकेट, 13,47,000 राशन के पैकेट, ये इतना बड़ा जो अभियान चलाने में हम सफल हुए, समाज के विराट रूप का योगदान और कार्यकर्ताओं का अपना परिश्रम, कार्यकर्ताओं की मेहनत, 20 लाख से अधिक सैनिटाइजर, 21 लाख से अधिक मास्क, ये जो देव दुर्लभ काम इस समय में किया है, मैं प्रशंसा करूंगा हमारी मीडिया टीम की, हमारी आईटी टीम की कि उन्होंने इस सारे को एक लिपिबद्ध किया। तो वहीं कृषि बिल को लेकर किसान सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं तो हरियाणा में कांग्रेस ने भी बिल के विरोध में हल्ला बोल दिया है। इन सब के बीच सीएम मनोहर लाल ने कृषि बिल को किसानों के लिए वरदान बताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ना मंडी और ना ही एमएसपी खत्म होगी, बल्कि केंद्र सरकार किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार देने जा रही है। इससे किसानों का फायदा होगा क्योंकि कई मौकों पर मंडी से बाहर किसान अपनी फसल एमएसपी से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर होते हैं। तो जब उसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर एमएसपी सुनिश्चित है, दूसरे रास्ते पर दोनों बातें हैं, वो एमएसपी से नीचे भी बेचने कोई खरीदने वाला मिलेगा, कोई ज्यादा खरीदने वाला मिलेगा, तो किसान कहाँ जाएगा? ज्यादा जाएगा। अगर एमएसपी से ज्यादा उसको बाहर मिलेगा तो वहां जाएगा, बाहर उसको नहीं मिलेगा मंडी में उसको एमएसपी मिलेगा तो वहां आएगा, बाहर एमएसपी से नीचे वो बेचेगा। हमारा किसान इतना सहज तो नहीं है, उसको इतनी समझ तो है ना उसको, तो इसलिए ये जो एक जिसको कहना चाहिए आलोचना के कारण से आलोचना करना कि आप एमएसपी का कानून बनाओ। भाई एमएसपी के कानून तो बना है कि मंडी में हम एमएसपी पर खरीदेंगे और मंडी पर जो खरीदेंगे हम सरकार कानून अपने लिए बना सकती है, हम किसी दुकानदार के लिए नहीं बना सकते कि नहीं तुम खरीदो तो इतने भाव में खरीदो, वो तो कॉम्पिटिशन में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब इसमें से अच्छी क्वालिटी की चीजें वो स्वाभाविक महंगी बिकेंगी। ये नेशनल लेवल के एक्ट हैं, राष्ट्रीय वो हैं स्तर के, कोई प्रदेश स्तर के नहीं है, इसलिए जो प्रावधान जितने होने हैं वो तो एक्ट में हो गए जो होने हैं। हाँ, इसमें कुछ चीजें जो साइलेंट हैं जो की जा सकती हैं स्टेट के द्वारा, उसमें हम अपने स्टेट में एक समय के बाद सख्ती से लागू करेंगे जब इम्प्लीकेशंस की होगी।
जैसे ये एक चीज़ निकलेगा उसमें चीज़ें घर में आएंगी, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें समय की आवश्यकता के हिसाब से सबको लागू किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैंने एक बात कही दी है कि हम कृषि न्यायालय बनाएंगे, हम कृषि प्रदेश में बनाएंगे कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। देखिए कहीं विवाद होता तो विवाद से तो न्याय चाहिए, उस न्याय का हकदार किसान भी है, उस न्याय का हकदार व्यापारी भी है, आढ़ती भी है, कोई भी जिसका हित यानी उसमें से इंफ्रिंजमेंट होती है जिसके अधिकारों के, तो हर चीज को न्याय मिलना चाहिए। किसानों के हित में इतना ऐसा उनकी आजादी का दिन है कि जो किसान केवल मंडी के परिसर में ही बेच सकता था, बाहर बेचना वर्जित था, उनको एक आजादी मिल गई है कि अब वो किसान मंडी से बाहर जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। ये किसानों की आजादी का दिन। किसानों के पीछे कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं जिनको किसान के हित से लेना देना नहीं है, उनके अपने मंसूबे हैं, वो मंसूबे अंडरग्राउंड छुपे हुए सब आपको पता है, राजनीतिक तौर पर भी कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे भी वर्ग है ना जो इससे प्रभावित अन्यथा भी होंगे, क्योंकि अगर हमने किसान की